नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के जिला चिकित्सालय में मिल रही फर्जी मेडिकल बनाने की शिकायतों के बाद और जिला अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों की सुविधाओं के अनुसार सहारनपुर SSP डॉक्टर विपिन टाडा के द्वारा जिला अस्पताल में आज एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, जिससे जिला चिकित्सालय में पहुंच रहे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी और अस्पताल में हो रहे फर्जी मेडिकल और अन्य मामलों पर भी रोक लग पाएगी। सहारनपुर SSP ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी लंबे समय से जिला चिकित्सालय में काफी शिकायतें मिल रही थी, को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जगह मुहैया कराई है, जिससे हम अस्पताल में एक चौकी स्थापित कर पाए हैं। इस चौकी का मेन उद्देश्य रहेगा कि दूर दराज से आ रहे तीमारदार और मरीजों को सही उपचार मिल सके और लोगों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हो। आज SBD डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है और इसके लिए मैं बधाई दूंगा CMO साहब को, जिन्होंने ये जगह पुलिस को उपलब्ध करवाई। काफी समय से यहाँ कुछ समस्या चल रही थी, जिसके चलते पुलिस की मौजूदगी आवश्यक थी। चौकी बनने से रात्रि में सुरक्षा तो रहेगी, साथ ही में दिन में जो तीमारदार आएंगे उनको भी पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध होगी और जो डॉक्टर्स और जो चिकित्सा कर्मी हैं हमारे, उनको भी सुरक्षा का आभास होगा। इसी के चलते चौकी यहाँ पर नवनिर्मित चौकी तैयार की गई। कई बार यहाँ पे तीमारदार लोग आते हैं, पेशेंट्स को लेकर आते हैं, डॉक्टरों के साथ अनसुलझी हो जाती है, उन सब चीज़ों को कैसे पुलिस डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगी और उनकी पूर्णतः सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। साथ ही जो तीमारदार दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, यदि किसी के साथ कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो उसकी तत्काल सूचना यहां से संबंधित थाने को भी दी जाएगी और तीमारदार का जो उचित इलाज हो उसमें भी उनके परिजनों की आवश्यकता अनुसार मदद की जाएगी। सर, ये अस्पताल के लिए है और मोहल्ले के संबंध रहेंगे जी? इसमें कुछ बाहर के मोहल्ले भी आसपास के हैं, वो भी इसमें चौकी क्षेत्र में रहेंगे और उनके साथ साथ जो अस्पताल का पूरा परिसर है वो भी इसमें रहेंगे। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।